तो तीज में आप लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन आ रहे हैं, तो जी हमारे जितने भी रिलेटिव हैं जिसको आप लोगों ने पहले देखा हुआ है सभी लोग आ रहे हैं। ऋतु का पहला तीज है और हमारे यहाँ पहला तीज जो था धूमधाम से मनाया जाता है, तो अब हम ऋतु को लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं। हम और ऋतु अब कटिहार इन कर चुके हैं, आइए अब दौड़ आगे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी जो है बैकग्राउंड में आप जो है सुन रहे होंगे हमारे बाबू के रोने का आवाज, क्योंकि उसकी हो रही है मालिश। तो मालिश जो है वह पीठ में तो आराम से करवा लेगा, हाथ पैर में सभी जगह आराम से करवा लेगा। जैसे ही बारी आएगी उसके पेट को छूने की, तो उसका जो तो छाती छूने की, उसका जो तो फेस है उसको छूने की, तो तुरंत वो रोने लग जाता है। तो वही कर रहा है अभी। मालिश करवा लिए से मुंह नहीं छुआएगा ये। क्या हुआ? ये देखो। तो फाइनली जी सभी लोग हो गए हैं तैयार। जिया नीचे से जा रही है बाबू का वहाँ पर टॉवेल लेने के लिए, तो बाबू का टॉवेल ले लेगी। टॉवेल लेना भी जरूरी है जी, आज जाने वाले हैं बाइक से, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी है सब तो उड़ेगा ही और बाबू के ऊपर आएगा, तो उसे बचा करके रखना है। और हम लोग निकल रहे हैं 9:30 बजे। सोचे थे कि थोड़ा पहले ही निकल जाएंगे, लेकिन तैयार होते होते जो है थोड़ा सा टाइम लग ही गया। कोई बात नहीं जी, थोड़ा देर वहाँ पर बैठ ही जाएंगे, पहले निकलते तो ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, ये बात अलग है। मोबाइल हम ही रख ले। तो पहुंच गए जी क्लिनिक, और क्रिया सेदानी भी किया रास्ते में? थोड़ा बहुत किया। पकड़ के नहीं रखे थे, बाइक से उछल के भाग जाएगा। अच्छा, तो चलिए जी हम इसको जा करके दिखाते हैं डॉक्टर साहब से। तो बाबू आ गया है जी क्लिनिक, और हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने का। और लास्ट टाइम जब आया था तो बहुत हंस रहा था, बहुत खेल रहा था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा शांत है। आज थोड़ा सा परेशान तो कर रहा है, लेकिन शांत है एकदम। लास्ट टाइम बहुत खेल रहा था, एकदम हंस रहा था, खिलखिला रहा था। अब लगता है जैसे जैसे समय थोड़ा आगे बढ़ते जाएगा, डॉक्टर को देख के ही रोना स्टार्ट करते जाएगा। हेलो बोला, हेलो हेलो, कैमरा देख रही है? ओके बाय बाय बाय। तो फाइनली जी डॉक्टर से व्यांश को भी दिखा दिया, और जाते जाते जो है आंटी जी से भी मिल लिए। तो जब डॉक्टर आंटी से मिले तो उन्होंने कहा कि जिया को कि तुम तो बहुत कमजोर दिख रही हो। फिर उसके बाद जो उन्होंने पूछा कि कैल्शियम का दवाई ले रही हो, तो कहे कि नहीं नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो थोड़ी सी डांट लगी, उसके बाद उन्होंने कुछ दवाई लिखा है और जिया को कहा है स्ट्रिक्टली बाहर का कुछ भी नहीं खाने के लिए, घर का सब कुछ खाने के लिए, और थोड़ा खाने पीने पर ध्यान देने के लिए। तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद है, जो कि बहुत सुबह शाम दूध पीने के लिए। हाँ, और बहुत खाइए बाहर का इधर, तो अब तो बिल्कुल बंद हो जाएगा ये। One hour later. तो जी पापा को तो कोर्ट छोड़ दिया है, अब जाते हैं घर, और घर जा करके जो है जल्दी से स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद जो है निकलना भी है। जी हाँ, आज हमें निकलना है जिया के घर। जिया जा रही है मायके, क्योंकि जिया का जो है एग्जाम आ गया है। और जैसा कि आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, जिया का जो है सेंटर उसके घर के बगल में ही है, तो हम लोग निकलेंगे जिया के मायके। A few moments later. तो जी अब हम हो गए हैं तैयार, जिया भी उधर तैयार हो गई है, बाबू गया हुआ है नीचे, दादी दादा जो हैं उसको दूध पिला करके ऊपर लाएंगे, कहे कि वहाँ जो रास्ता में जो है भूखा रहेगा, तो इससे अच्छा है कि अभी दूध पिला ही देते हैं। हाँ जी, बाबू जो है माँ के दूध के अलावा जो है गाय का दूध भी अभी फीड कर रहा है, जो कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर वह डाइजेस्ट कर पा रहा है तब तो ठीक है, अगर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तब जो है दिक्कत की बात है, लेकिन फिलहाल अभी उसे कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही है भगवान की दया से। ज्यादा सामान भी लिया नहीं है, एक ट्रॉली बैग है और एक ये बैग, क्योंकि वहाँ पर जी हमें रहना है मुश्किल से 2 से 3 दिन, तो 2 से 3 दिन के लिए ज्यादा सामान ले जाने का जो है कोई भी मतलब नहीं है। चले तुम तैयार हो गए? तो जी आज फाइनली जो है समय पर तैयार है, काफी अच्छा लगता है जब पत्नी महारानी जो है समय पर तैयार हो जाती है। बहुत ही खराब लगता है जब हर बात में पति देव टाना। ओहो चलिए कोई बात नहीं, एक दिन के लिए कहीं को जाएगा तो विजय बंद करेगा। अच्छा कहीं चले, चलो प्रियांश चलते हैं। भगवान को प्रणाम कीजिए बेटा। दूसरा बार मेरी दादी दिन में भोला बाबा को आवाज देती है, एको बार बोलवा सुनेंगे तो नहाल हो जाए। 200 बार कम से कम आवाज देते हैं हमारे, उनकी दया कैसे नहीं होगी, जबरदस्ती भीख मांग लेंगे। चलते हैं। तो फाइनली जी पहुंच गए हैं जिया के यहाँ, और जिया अभी जा रही है एग्जाम देने के लिए। कल जो है कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बाबू थोड़ा सा परेशान कर रहा था, तो इसी वजह से जो है उसमें कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया। तो फाइनली पहुंच गए हैं, तो जिया को देख सकते हैं बाहर निकल रही, तो उसको जाते हैं वहाँ छोड़ने के लिए। टूट गया,
दूसरा ले लो। तो जिया का यहाँ जो है टूट चुका है चप्पल, तो दूसरा चप्पल फॉर्चुनेटली था, मैं तभी स्लीपर पहन के ही जाती एग्जाम देने के लिए। क्या होता, कुछ नहीं होता, रिलैक्स होकर था ही अच्छा जैसा। बाबू अभी आराम से अंदर सोया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि नहीं जगे, क्योंकि अगर जग गया तो बीच में वहाँ मचाएगा अच्छे से तबाही। तो यहाँ से जिया जा रही है जी अंदर और हम चलते हैं बाहर। तो चलिए जी, जिया को तो यहाँ पर छोड़ दिया है अंदर और अब चलते हैं बाबू के पास। बाबू कब रोने लगे कोई ठीक नहीं है, और अगर बाबू के आसपास जिया या हम में से कोई भी नहीं रहता है तो थोड़ा ज्यादा रोने लगता है। A few moments later. जिया को तो छोड़ करके आ गए जी, और घर आते ही हमारा लगा दिया गया है नाश्ता, तो देख सकते हैं नाश्ते में है परांठा, आलू का भुजिया, परवल फ्राई, और साथ में है आलू और पनीर की सब्जी जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा है। जल्दी से इसको खाते हैं और खत्म करते हैं। तो मैं रितु को लेने के लिए दो दिन पहले यहाँ आया था, आज रितु को लेकर के जा रहा हूँ। रितु का पहला तीज है और हमारे यहाँ पहला तीज जो था धूमधाम से मनाया जाता है, तो अब हम रितु को लेकर के यहाँ से निकल रहे हैं, तो देखते हैं अंदर क्या तैयारी चल रही है। कटिहार विदा होने के लिए तैयार हो रही है और रीमा उसको बहुत अच्छे से तैयार कर रही है। रीमा सारा मेकअप आज ही कर देना है, और कम मौका मिलेगा। फिर तुम आँख खोल रही हो, फिर तीज के लिए क्या होगा? तीज में भी करेंगे अच्छे से, तीज में स्पेशल मेकअप होगा। तो नवनीत जी और रीमा इनको मैंने पहले इनवाइट किया है, ये लोग 29th को हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है? ऋतु को तैयार करने में काफी परेशानी हो रही है आपको? अच्छा नहीं, हमको लगता है आज घर जा रही है ना, काफी दिन रही है यहाँ पर, थोड़ा इमोशनल भी है ना, जाने का मन तो है नहीं सुबह से, वो तो दिख रहा है। छोटी चाची जी आ गई हमारी, ये हमारे घर की सबसे बुजुर्ग दादी जी है, हमें बहुत ज्यादा प्यार करती है, और अब कटिहार आना है दादी जी, हम लोग सब मिलकर के आपका इंतजार करेंगे। ठीक है बाबू, हम जा ही रहे हैं, कौन जाए जाए ना, हम तो पहुँच ही जाएंगे, आपके बिना तो सारा फंक्शन ही अधूरा है। ठीक है तू दे आओ फिर। हम और रितु अब कटिहार इन कर चुके हैं, तो मन तो नहीं लग रहा है। 16-17 दिन रितु रह चुकी है मायके में, तबीयत खराब हो गई थी आप लोगों को पता ही था, और अब तीज है तो जाना पड़ रहा है, इनके मम्मी पापा भी उदास हो चुके हैं। आइए अब घर आ गए। अभी बज गए हैं जी दोपहर के 1, जिया का एग्जाम भी अब जो है खत्म होने वाला होगा, तो अब चलते हैं सेंटर पर और जिया को लेकर के आते हैं। तो जिया आ गई है एग्जाम दे करके, चला गए। तो जी जिया भी पहुंच गई है घर और अपना ड्रेस व्रेस चेंज कर ली है, खाना सब खा चुकी है, और हमारा भी पेट पूजा सब हो चुका है, तो अब जो है बारी है हम लोगों के आराम करने की। और जैसा कि आराम कीजिएगा, हम मार्केट जाएंगे, कुछ कुछ सामान वहाँ पे छूट गया था, हम नहीं ले पाए थे। अच्छा, तीज का सामान? हाँ, और अब यहाँ पे देंगे। हाँ जी, तो जैसा कि अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि मोनू और रितु भी जो है घर आ चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी घर में नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पर जिया का एग्जाम चल रहा है, जिया का आज एक एग्जाम हो गया, कल गैप है, उसके बाद संडे है, मंडे को एग्जाम है, मंडे को एग्जाम देकर फिर हम लोग, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा वहीं से सीधे सीधे हम लोग निकल जाएंगे, है ना? 31 को एग्जाम है, तो एक बार फिर हम लोगों को आना पड़ेगा। हाँ जी, तो तीज में आप लोग पूछ रहे थे कि कौन कौन आ रहे हैं, तो जी हमारे जितने भी रिलेटिव हैं जिसको आप लोगों ने पहले देखा हुआ है सभी लोग आ रहे हैं। तो तीज में जो है बहुत ही मजा आने वाला है, आप लोग चैनल से जुड़ी रहिएगा, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो हमारे बिहार से है उनको तो पता होगा कि फर्स्ट तीज जो होती है हम लोगों के इधर बहुत अच्छे से, बहुत ही धूमधाम मनाया जाता है। तो तीज का जो भी चीज होगा जी, जो भी विधि होगा, जो भी रस्म होगा, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि हमारे बिहार से होंगे, जो हमारे बिहार से बाहर के होंगे, बाहर के होंगे, बिहार का कल्चर देखेंगे कि कितना अच्छा अच्छा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हर पर्व त्योहार को। हाँ जी, और जी जितने भी लोगों की शादी होने वाली है और खास करके वो हमारी पूर्वांचल साइड से है, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा जी, इस तरह का विधि विधान जो है इससे आप लोगों को भी गुजरना होगा, इस तरह का जो रस्म होगा काफी अच्छा पल होता है, काफी खुशनुमा पल होता है, निर्जला उपवास। हाँ, ये एक टफ चीज है बीच में। हाँ, कोई नहीं, हो जाता है, अब आदत सी हो गई है। अच्छा जी, तो अब ऐसा करते हैं जी, इस वीडियो को यहीं पर
सफर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन। हमारा 300K पूरा होने वाला है और उसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जी, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा लें, ताकि हमारा जो अच्छा अच्छा वीडियो आएगा तीज का वो आप लोगों को देखने के लिए सबसे पहले मिले मिल जाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।